आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान देते हुए आज कहा कि आज की स्थिति के अनुसार चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद तैनात किया हुआ है। रक्षा मंत्री ने भारत चीन गतिरोध को लेकर संसद में बयान देते हुए कहा कि पूर्वी लद्दाख और गोगरा, कोंका ला और पेंगोंग लेक का उत्तरी और दक्षिणी किनारे पर कई गतिरोध वाले इलाके हैं। LAC में चीन में अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात किया हुआ है। हमारी सेना इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी सेनाओं ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त जवाबी तैनाती की है ताकि भारत के सुरक्षा हित पूरी तरह सुरक्षित रहे। रक्षा मंत्री ने कहा, LAC पर तनाव बढ़ता देख दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून को मीटिंग की। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि LAC को स्वीकार किया जाएगा और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे यथास्थिति बदले। इस सहमति का उल्लंघन कर चीन द्वारा एक हिंसक संघर्ष की स्थिति 15 जून को गलवान में पैदा की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपनी जान का बलिदान दिया पर साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई और अपनी सीमा की सुरक्षा में कामयाब रहे।